जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास अगहन मास की पूर्णिमा कब रहेगी और इस दिन आपको पूजन अर्चन किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मार्गशीर्ष मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास माना गया है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा और व्रत रखने से जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान दान और ध्यान विशेष फलों को देने वाला होता है। मान्यता ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो वह इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन का पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्र देवता की पूजा का क्या महत्व होता है। तो इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा दिनांक 7 दिसंबर 2022 को रहेगी। इसी दिन दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाएगी। 7 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत प्रातःकाल 8:01 पर होगी, जो अगले दिन दिनांक 8 दिसंबर 2022 को प्रातःकाल 9:37 पर इसका समापन होगा। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत और पूजा की विधि इस प्रकार से रहेगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें और भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लेवे। स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करें, आचमन करें और ओम नमो नारायणाय नमः कहकर श्री हरि का आवाहन करें। इसके बाद श्री हरि को आसन गंध पुष्प आदि अर्पित करें। पूजा स्थल पर वेदी बनावें और हवन के लिए उसमें अग्नि जलावें। इसके बाद हवन में शुद्ध घी और बूरा जौ तिल आदि की आहुतियाँ देवें। हवन समाप्त होने पर सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें। तो व्रत के दूसरे दिन गरीब लोगों या ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्णत्व की स्थिति में होता है। वहीं मार्गशीर्ष पूर्णिमा मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहलाती है। मान्यता ऐसी है इस दिन किए जाने वाले दान से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो मान्यता ऐसी है कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को दूध के द्वारा अर्घ्य देने पर मानसिक शांति मिलती है। साथ ही चंद्र देवता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पूर्णिमा पर चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिलाकर के अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। तो मार्गशीर्ष माह अगहन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और उनके निमित्त कुछ विशेष उपाय करने से विभिन्न राशि वालों को विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन राशि के अनुसार कौन कौन से विशेष उपाय आप कर सकते हैं। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार मेष राशि के लोग हर क्षेत्र में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए पूर्णिमा के दिन तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसमें पानी मिला करके लेप बना लेवें। उस लेप को अपने शरीर पर लगा लेवें। लेप लगाने के कुछ समय के बाद पानी से स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करें तो आपकी तरक्की के रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। और वृषभ राशि वाले लोग अपने जीवन से शत्रुओं का भय मिटाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु जी के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। तो भगवान विष्णु जी के 12 नाम इस प्रकार से हैं: अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। एक नाम लेवें और एक पुष्प भगवान को अर्पित करें। चढ़ाए गए फूलों को शाम के समय भगवान के सामने से हटा करके बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें तो इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वालों के अनुसार अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन किसी कन्या को या किसी जरूरतमंद विवाहित महिला को पीले रंग के वस्त्र दान में देना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। यह उपाय आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद किसी भी समय आप कर सकते हैं। इससे आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, कार्य में यश आपको मिलेगा। कर्क राशि वालों के अनुसार
कर्क राशि वाले जो लोग हैं अपने बच्चों और अपने बीच में समरसता बनाए रखने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए आज के दिन अपने बच्चों के हाथों से उनकी पसंद की कोई 32 चीज़ें जरूरतमंद को दान करावें। ये 32 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई मिठाई, फल, कपड़े, स्टेशनरी का सामान इत्यादि हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को 32 की गिनती में आपको लेना है, कोई भी वस्तु इस दिन आप अपने अनुसार बांट सकते हैं। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार अगर घर में श्रीमद् भागवत गीता रखी हुई है तो चाहते हैं कि जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत ना आए तो इस दिन मंदिर में लाल वस्त्र बिछा करके उस पर श्रीमद् भगवत गीता को रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गीता का दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी आँखों से लगावें। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत गीता हो अगहन मास के दिन एक बार उसको जरूर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अगर घर में श्रीमद् भगवत गीता उपलब्ध नहीं है तो एक कोरा कागज लेकर के उस पर लाल स्केच पेन से श्रीमद् भागवत गीता लिखें, उसके नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखें। इस कागज को मंदिर में लाल रंग के वस्त्र में स्थापित करके 11 बार दोनों हाथों से उसे स्पर्श करके हाथ अपनी आंखों पर लगावे। अगले दिन उस कागज को और लाल वस्त्र को मंदिर में से उठा करके अपने पास संभाल कर रख लेवे तो इससे सुख समृद्धि का आगमन होगा। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस दिन आटे को भून करके उसमें शक्कर मिला करके अपनी इच्छा के अनुसार हवन आपको करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले आप हवन का संकल्प लें और उसी के अनुसार हवन करें। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। अगर आप हवन कराने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बना करके श्री विष्णु जी को भोग अर्पित करें और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांट देवें तो इससे सुख समृद्धि का आगमन होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार अपनी धन की तिजोरी में बढ़ोतरी के लिए इस दिन श्री विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के समय 11 अक्षत यानी चावल के दाने लेकर के एक एक करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अक्षत चढ़ाते समय लक्ष्मी जी का मंत्र बोलें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः अथवा ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र भी आप बोल सकते हैं। इसी तरह मंत्र बोलते हुए सारे अक्षत माता को अर्पित करें। अगर यह मंत्र बोलने में समस्या आए तो आप केवल श्रीम ह्रीम श्रीम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र श्रीम ही है। पूजा के बाद इन चावलों को एक लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में रख लेवें तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती हुई तरक्की को किसी की नज़र ना लगे तो इसके लिए इस दिन कोई नमकीन चीज़ जिसमें नमक डला हो वह गाय को खिलावें तो तरक्की को कोई नहीं रोक सकेगा। आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आपके जीवन की खुशियों का विस्तार करने के लिए एक कच्चा नारियल लेवे, उस पर स्वास्तिक बना करके श्री भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। नारियल चढ़ाने के तुरंत बाद ही उसे फोड़ करके परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन ना हो इसके लिए प्रातःकाल सुबह के समय हल्दी में पानी डाल करके उसके पेस्ट से घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना देवें तो इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेगी और इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार मानसिक विकारों से छुटकारा पाने के लिए आज रात के समय चंद्रमा की रोशनी में यानी पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके ओम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 21 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें तो ऐसा करने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलेगी। चंद्र देवता की कृपा से सुख समृद्धि का आगमन होगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान चंद्र देवता की कृपा से वह शीघ्र पूर्ण होगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार अगर कोई इच्छा बहुत दिनों से आपकी किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है तो इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन कागज की 51 पर्चियां बनावें और उन सब पर लाल पेन से श्रीम लिखें। हर पर्ची पर लिखते समय अपनी इच्छा मन में दोहराएं। अब इन पर्चियों को इकट्ठा करके एक वस्त्र में बांध लेवें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में जा करके अर्पित कर देवें तो इससे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपकी इच्छा
शीघ्र ही पूर्ण होगी। धन धान्य की कमी आपके घर में नहीं आएगी, आपको किसी भी कार्य में समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।